Otherwise, when history is written, people who are standing on the other side will not be judged kindly. Thank you so much, sir. Dhanyavad, Mani Karthike Sarma ji. Maniya Srimati Kanta Kardam ji. Haan, mic on, please. जी जी माननीय महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बिल है, जो हमारी सरकार हमारे दूरदर्शी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये आज पास होना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 14 के बाद महिलाओं को जो सम्मान दिए हैं, उससे पहले उस तरह से महिलाओं को सम्मान नहीं मिला है। जब से आए हैं, बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाओं में भी उनको स्थान दिया, सम्मान दिया है, हर जगह महिलाओं को सम्मान दिया है। विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सभी जगह सभी पार्टियों से ज़्यादा हमारी पार्टियों की भागीदारी है। अभी सामने से कहा गया कि बहुत जगह का नाम लिया गया, मैं बार उसको रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन इतना मैं कहूंगी कि राजस्थान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जो राजस्थान के हालात हैं वो सबको मालूम है, किसी से छिपे हुए नहीं हैं। मेरा भी राजस्थान में जाना हुआ और कई जगह जो गंभीर स्थिति थी, जो महिलाओं के साथ जिस तरह का दुराचार किया गया, जिस तरह से महिलाओं को अपमानित किया गया, वो सब की संज्ञान में है। महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, ना कि निर्बल। लेकिन जिस प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, उस प्रदेश में महिलाओं को जो भागीदारी और जो सम्मान मिलना चाहिए, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो उस तरह से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। प्लीज बैठकर चर्चा में बैठिए, डोंट स्पीक फ्रॉम चेयर प्लीज। राजस्थान, अभी आप सुनना ही चाहते हैं तो सुने। राजस्थान में जो रेपिस्ट के बचाव में आंदोलन चल रहा है, किसी से छिपा है क्या ये? ये आंदोलन चल रहा है। एक तरफ तो कहती है प्रियंका, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान में लड़ने के लिए क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं बोलती? एक बार भी गई है वो, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। चेयर से बैठकर नहीं प्लीज। अगर प्लीज राजस्थान की स्थिति अगर आप जाने तो वहां आप देखेंगे जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उन पे कितने अत्याचार हैं। एक एक मिनट माननीय सर, प्लीज प्लीज टेक, वो किसी से छिपा नहीं है। प्लीज माननीय ऑनरेबल मेंबर्स, जो एक माँ की कोख उजाड़ दी गई, सबसे कि आप जो अपेक्षा करते हैं सब एक दूसरे का पालन करें, दो बच्चों का सरेआम करें, उन चीजों का पालन, गाड़ी से कुचल कर हत्या कर दी गई। प्लीज कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है मैडम, आप बोले। तीसरे को सिसकता हुआ छोड़ दिया गया, वो भी एक महिला है, वो भी एक माँ है। उस माँ की कोख उजाड़ी, राम रमेश जी, उसका भाई, राम रमेश जी, नथिंग, एक बहन का भाई छीन लिया। वो ऐसी समाज से थी, आप बोलिए, वो दलित समाज से थी। पिछड़ी जाति की बात करते हैं आप, राजस्थान में देखिए कि पिछड़ी महिलाओं के साथ में आपने, आपकी सरकार ने क्या किया है। यहाँ आपने देखा कि गैंग रेप के बाद महिलाओं को जलाकर मार दिया गया, भट्टी में डाल दिया गया, झोंक दिया गया, वो किसी से छिपा नहीं है। माननीय सारे सदस्यों से आग्रह, प्लीज अपने चेयर पर बैठकर बात न करें प्लीज। प्रदेश में हर दिन
17 के मामले, 17 मामले हर दिन रेप के दर्ज होते हैं। प्रदेश में हर 2 घंटे में नाबालिग बच्चों का अपहरण होता है। किससे छिपानी है, आप देखिए, तलाशिए। 1,90,000 से अधिक मामले महिलाओं के अत्याचार का दर्ज हैं। अब तक प्रदेश में बच्ची और महिलाओं के रेप के केस 45,000 से अधिक मामले दर्ज हैं। माननीय कांता जी, आपका समय खत्म हो गया, प्लीज। जो ये कहते हैं पिछड़ों की या दलितों की बात करते हैं, इन्होंने कौन सा सम्मान दिया अपनी सरकार में? जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहीं वहीं ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। दलितों पर भी और पिछड़ों पर भी उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। आपने देखा है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटियों को बढ़ाओ, ये किसने कहा है? ये प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन वो सपना साकार करके दिखा दिया। आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आप रक्षा का क्षेत्र लोगे या कोई भी क्षेत्र लोगे या शिक्षा के क्षेत्र में आप देखोगे तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ऐसे नहीं किया है। आप देखेंगे कि समान, माननीय कांता जी, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। बेटी और बेटे में आज कोई फर्क नहीं। प्लीज, 1 मिनट। नहीं, प्लीज, आपका समय खत्म हो चुका है। प्लीज प्लीज, आप ये देखिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था हर घर की महिलाएं शिक्षित बने। ज्योतिबा फुले का सपना था कि हर घर की महिलाएं शिक्षित बने। आप अपनी पार्टी के दूसरे वक्ता का समय ले रही हैं। साकार कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, वो मान्य हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं। योजना की बात हुई यहाँ, माननीय कांता जी, उज्ज्वला योजना का 400 रुपए सिलेंडर पर कम किया गया है। माननीय रामदास अठावले, सामान्य सीट पर ये कम। माननीय रामदास अठावले, आप प्लीज, प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। मैं अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करती हूँ। उनका समय खत्म हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। आप बोले, वो अपने समय से 2 मिनट ज्यादा बोली। प्लीज बहन है हमारी। प्लीज 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 राजीव, प्लीज प्लीज सुनिए, सुनिए। उपसभापति महोदय, प्लीज, मैं बहुत बार गया हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, प्लीज। सभापति महोदय, मैं बहुत बार जाकर आया हूँ रूस, लेकिन महिला बिल